किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे COS 18231 अगेती गन्ना वैरायटी के बारे में, जो कि हाल ही में ये हमारे शोध संस्थान शाहजहाँपुर के द्वारा रिलीज की गई है। और इस वैरायटी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुल मिला के अभी तक की वैरायटियों में जितनी भी वैरायटी अभी तक रिलीज हुई हैं 038 समाप्त होने के बाद, उनमें सबसे अच्छी वैरायटी के तौर पे वैरायटी देखी जा रही है। इसकी रिकवरी की बात करें या फिर मोटाई को लेके बात करें या फिर इसके गन्ने की टेलिंग को लेके बात करें, बहुत अच्छी वैरायटी के तौर पे देखी जा रही थी। 235 भी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन उसमें आँख जमने की समस्या ज़्यादा थी, इसके कारण वो वैरायटी रिप्लेस हो रही थी। इसमें आप देख सकते हैं इस गन्ने में जहाँ पर आँख होती है वहाँ पर हल्की सी नाली टाइप की होती है। इसके अलावा इसकी आँख थोड़ी उभरी हुई होती है, लेकिन इस वैरायटी में जमने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। साथ में इसका जो गन्ना होता है अच्छी मोटाई के साथ काला और सफ़ेद रंग लिए रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें जो नाली दिख रही है इसकी विशेष पहचान है। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी पहचानें हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जो ऊपर का भाग होता है जिसे हम गोला बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। कुल मिला के किसान देसी वैरायटी के तौर पर देखी जा रही है, और ये हमारी शाहजहाँपुर शोध संस्थान की वैरायटी तो है ही। किसान भाई इसे लगाएं, अधिक से अधिक उत्पादन पाएं। और जो भी किसान भाई हमारे किसी काश्तकार भाई के पास से 18231 बीज लाएं, तो अच्छे से छानबीन करके लाएं, क्योंकि हमारे काश्तकार भाई कोई भी फर्जी बीज ना लाएं, क्योंकि बहुत सारे बीज माफिया फर्जी बीज बेचने का कार्य कर रहे हैं। कई वैरायटियाँ जैसे 13452 हो गए, 16233 हो गए, ये वैरायटियाँ बिल्कुल इसी की तरह मिलती जुलती हैं, इनसे बिल्कुल भी सावधान रहने की ज़रूरत है।